अयोध्या धाम में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पावन अवसर पर आज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर कुम्हरटोली हजारीबाग में श्री राम महोत्सव पूरे भक्ति भाव के साथ मनाया गया। महोत्सव में बतौर अतिथि आशुतोष विभाग प्रचारक हजारीबाग, कुणाल प्रांत शारीरिक प्रमुख, प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष श्रद्धानंद सिंह, उपाध्यक्ष प्रोफेसर अरुण कुमार मिश्रा, सचिव संजय उपाध्याय, कोषाध्यक्ष अभिषेक कुमार एवं प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर राजीव रंजन ने दीप प्रज्वलन एवं श्री राम एवं हनुमान जी के चरणों में पुष्प अर्पित कर पूरे भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना की। मौके पर पूरा विद्यालय परिसर राम आएंगे भाव के साथ राममय हो गया। पूरा विद्यालय परिसर में जय श्री राम, जय श्री राम, हमारे राम सबके राम से गूंज उठा। विद्यालय में पढ़ने वाले भैया बहनों ने राम कथा से संबंधित गीत, नृत्य, नृत्य लघु नाटिका एवं समूह गीत प्रस्तुत कर मंत्रमुग्ध कर दिया। महोत्सव में श्री हनुमान चालीसा का पाठ, श्री राम कथा से संबंधित विभिन्न प्रसंग पर आधारित नृत्य नाटिका, श्री राम लक्ष्मण सूर्पनखा प्रसंग, लंका धन आदि की प्रस्तुति की। भैया बहनों ने श्री राम, सीता, लक्ष्मण एवं हनुमान जी का रूप धारण कर दर्शकों एवं श्रोताओं का मन मोह लिया। विद्यालय के आचार्य वीरेंद्र नाथ बाक्षी ने श्री हनुमान जी के रूप धारण कर श्री राम भक्ति प्रस्तुति की। मौके पर विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर राजीव रंजन ने धन्यवाद ज्ञापन किया। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भैया बहन, आप सभी श्री राम के आदर्श को आत्मसात करें, आप अपने माता पिता की सेवा करें, गुरु के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का भाव रखें। साथ ही एक सच्चा देशभक्त बने श्री राम जी एवं हनुमान जी की आरती तथा प्रसाद वितरण के पश्चात कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम में संघ परिवार के अधिकारीगण, स्वयं सेवकगण एवं विद्यालय के आचार्य बंधु भगनी, अभिभावकगण, शहर के गणमान्य व्यक्ति, विद्यालय में पढ़ने वाले भैया बहन एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे। हजारीबाग से श्रुति गुप्ता की रिपोर्ट।